अगर आप नैनीताल में आते हैं तो आपको नैनीताल के अंदर 11 पॉइंट और 7 पॉइंट दो तरीके की पॉइंट्स मिलेंगे घूमने के लिए। तो जो यहाँ के कैब वाले हैं वो 11 पॉइंट और 7 पॉइंट करके घुमाते हैं। अगर आप 7 पॉइंट घूम रहे हैं तो 800 से 1000 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे, और अगर आप 11 पॉइंट घूम रहे हैं तो 1500 टू 2000 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे। तो मैं अब आपको ले चल रहा हूँ, 7 पॉइंट घुमाऊँगा मैं आपको, क्योंकि जो बाकी दो तीन पॉइंट हैं उनमें जो है अभी बंद पड़े हैं वो। तो चलते हैं 7 पॉइंट घूम के आते हैं और दिखाते हैं आपको 7 पॉइंट के नज़ारे। ये प्लेग्राउंड एक तरीके का यहाँ पे, ठीक है, पहाड़ी इलाके में कितना अच्छा ग्राउंड बना रखा है। जो केबल कार नीचे से आती है वो इस रास्ते से आती है, देखिए नीचे का कितना सुंदर नज़ारा है। और ये मतलब कि एक पॉइंट है, पहला पॉइंट। तो अब आपसे हमारी जो मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉइंट पे होगी, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम जो अपने सेकंड पॉइंट जा रहे हैं हिमालय दर्शन, यहाँ से मैं आपको हिमालय दिखाऊँगा पूरा। तो चलते हैं, ऊपर चढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। सामने हिमालय दर्शन, देखिए हिमालय, हमारे हिमालय पर मजा आ गया जो टोटली बर्फ जमी हुई है, और देखिए पूरा हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। और ये लग ही रहा है पास में, बहुत दूर है, कई सौ किलोमीटर दूर है ये। आप इसको जो दूरबीन से भी देख सकते हैं, तो हम अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। और ये वाला पॉइंट खास इसलिए क्योंकि यहाँ से जो नैनी लेक है वो मैंगो की शेप की दिखती है, और यहीं पर सिर्फ तुम फिल्म के जो गाना था वो शूट किया गया था, और सिर्फ तुम फिल्म भी का काफ़ी पोर्शन इस एरिया में शूट किया गया था। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मन मोहने वाला नज़ारा है। देखिए बिल्कुल सही कहते हैं कि आम की शेप की दिखती है यहाँ से नैनी लेक। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्पॉट आ चुके हैं सूखे ताल पे। ये नीचे जो दिख रहा है आपको सूखा ताल है, 6 महीने में भर जाता है और 6 महीने में ही सूख जाता है। और देखिए ये कितनी सुंदर पहाड़ियों के बीच में जो है ये हमारा सूखा ताल है। तो चलते हैं आपके लिए नेक्स्ट स्पॉट पे, चलते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्पॉट पे पहुंचे हैं, ये है ठंडी गुफा। और ठंडी गुफा का क्या मतलब है, जब गर्मियों का मौसम होता है तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, और ये जो है ठंडी गुफा अपनी मतलब कि गर्मियों में ठंडी हवा के लिए बहुत फेमस है। तो एक अगला स्पॉट ये था, तो चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पहुँच चुके हैं बारह पत्थर। बारह पत्थर जो है यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ऊपर, इस पर जो है ये जो रस्सी बन रही है यहाँ पर ट्रैकिंग सिखाते हैं स्कूल कॉलेज के बच्चों को। तो जो ये 7 स्पॉट मैंने आपको बताए हैं उनमें एक स्पॉट ये 12 पत्थर का भी है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो नेक्स्ट अब मैं अपने लास्ट दो स्पॉट दिखाऊंगा आपको, लवर और सुसाइड पॉइंट। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे कभी लवर्स ने सुसाइड कर लिया था, बहुत पुराना। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको लवर और सुसाइड पॉइंट। ये हमारा लवर और सुसाइड पॉइंट है, साथ में ले लेते हैं ग्रुप का, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, सब बढ़िया टॉप वाले पॉइंट पे चलते हैं जहां से ठंडी ठंडी हवा आती है।
अगले दूसरे थाम खिंचाएंगे, ये जगह अच्छा नहीं है। नहीं, ये तो मरने वाला। आई सर बैठिए, आई उठ कीजिए।